Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 7,25,495 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,462 हो गईं। जो बाइडेन का कीस्टोन पाइपलाइन मंसूबा खत्म करने का ऐलान। कनेडियन वजीर आजम का कहना है कि फैसले से मायूसी हुई, फैसले से कनाडा के एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। ऑन्टेरियो में कोरोना वैक्सीन की फरहमी मौतर, टोरंटो में वैक्सीनेशन के लिए बनाया जाने वाला क्लिनिक बंद कर दिया गया। इस क्लिनिक में सिर्फ 2 दिन ही काम हुआ था। ऑन्टेरियो हुकूमत का काम की जगहों के मुआयने में तौसी का फैसला, पहले से जारी मुहिम में तौसी कर दी गई। इससे कबल 74 कारोबार हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करते पाए गए थे। जोसेफ बाइडेन हल्फ उठाकर 46वें अमरीकी सदर बन गए। कहते हैं, सबका सदर हूं, कोई तफरीक नहीं करूंगा, इख्तलाफात को जंग में नहीं बदलना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9,73,25,443 तक जा पहुंची। कोरोना वायरस की वबा बेकाबू होने पर नीदरलैंड में कर्फ्यू का निफाज। अमरीका में कोरोना से हलाक अफराद की याद में तकरीब। मुफ्ती कवि को सिर्फ थप्पड़ ही नहीं, जूते भी मारे हैं। हरीम शाह कहती हैं कि मुफ्ती कवि ने मेरे मुतालिक झूठ बोला, उनकी वजह से मेरी किरदार कशी हुई। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह खुदकुशी केस, कंगना रनावत की परेशानियों में इजाफा। अदाकारा कंगना रनावत को अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन, और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699 फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6। कनाडा पोस्ट की जानिब से कहा गया है कि 121 मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मजबत आने के बाद उन्होंने मिसिसागा में अपनी पूरी शिफ्ट के टेस्ट कराने का फैसला किया है। जिन मुलाजमीन के टेस्ट मजबत आए हैं उन्हें 14 रोज तक करंटीना कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 7,25,495 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 18,462 हो गईं, जबकि 6,30,430 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 2,47,235 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,208 तक पहुँच चुकी है। ओंटेरियो में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 2,44,932 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,568 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,18,436 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हुए हैं, जबकि 1,484 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 62,412 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,104 है। कनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें नौ मुंतखब अमरीकी सदर के इस फैसले से मायूसी हुई है, जिसमें उन्होंने कीस्टोन पाइपलाइन मंसूबे को खत्म करने का ऐलान किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने नए अमरीकी सदर जो बाइडेन की जानिब से अमरीका और कनाडा के दरमियान बनने वाले पाइपलाइन मंसूबे की मौतली पर अफसोस का इजहार किया है, जबकि जुमे के रोज अमरीकी सदर से होने वाली गुफ्तगू में इस मामले पर भी बातचीत की जाएगी। अपने सदारती दौर के आखिरी दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के सूबे अल्बर्टा से अमरीकी रियासत नेब्रास्का तक तेल की तरसील की 12,000 मील लंबी कीस्टोन XL पाइपलाइन की तामीर की मंजूरी दी थी, लेकिन जो बाइडेन ने साबिक सदर के इस फैसले
को भी मंसूख कर दिया है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उन्हें नामुंतखब अमरीकी सदर के इस फैसले से मायूसी हुई है, जिसमें उन्होंने कीस्टोन पाइपलाइन मंसूबे को खत्म करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से कनाडा के एनर्जी सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा, ताहम उन्होंने जो बाइडन की जानिब से मुतनाज़े इकदामात और फैसलों को तब्दील करने के इकदामात की हिमायत की। उन्होंने कहा कि जो बाइडन माहौलियात के हवाले से जो काम करना चाहते हैं वो उसे सराहते हैं। इससे कबल कैनेडियन वजीर आजम का कहना था कि नए अमरीकी सदर से बातचीत के दौरान पाइपलाइन मंसूबे पर भी गुफ्तगू की जाएगी और उन्हें कैनेडा के मौकफ से आगाह किया जाएगा, जबकि कैनेडा स्टोन एक्सल पाइपलाइन मंसूबे से मुतालिक अमरीका पर अपना दबाव जारी रखेगा। टोरंटो की शहरी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि हर कोई वैक्सीन सप्लाई चीन के मामलों पर मायूस है। शहरी इंतजामिया सप्लाई दस्तियाब होने के बाद वैक्सीन क्लिनिक दोबारा कायम करने की मुंतजर है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने फाइजर कनाडा के सदर से गुफ्तगू के दौरान दुनिया की दीगर ममालिक के निस्बत कनाडा में वैक्सीन की फराहमी कम होने की वजह दरियाफ्त की। डग फोर्ड का कहना था कि वजीर आजम कंपनी पर जोर दें कि कनाडा में वैक्सीन की फराहमी को तेज करे। टोरंटो में कोरोना वैक्सीन की फराहमी में मसाइल के सबब 5 दिन बाद ही बंद कर दिया गया। शहरी इंतजामिया की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि फाइजर बायो इनटेक की जानिब से वैक्सीन की किल्लत के सबब क्लिनिक को बंद किया जा रहा है। इस क्लिनिक में सिर्फ 2 दिन ही काम हुआ था। शहरी हुकूमत के तर्जुमान का कहना है कि हर कोई वैक्सीन सप्लाई चेन के मामलों पर मायूस है। शहर सप्लाई दस्तियाब होने के बाद वैक्सीन क्लिनिक दोबारा कायम करने का मुंतजर है। क्लिनिक एक दिन में 250 अफराद को कतरे पिलाने के मकसद के साथ कायम किया गया है। दूसरी जानिब टोरंटो पुलिस चीफ जेम्स रॉमर का कहना है कि टोरंटो पुलिस ने गैर मुहतात और कोरोना के हिफाजती इकदाम को सबूताज करने वाले अनासर के खिलाफ कार्रवाईयों का आगाज कर दिया है। गुज़िश्ता रात पुलिस ने शहरियों की तरफ से मौसूला शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कम अज़ कम 11 मुकामात पर छापे मारे, जबकि 2 अफराद को गैर कानूनी इज्तिमा मुनक़िद करने के इल्ज़ाम में जुर्माने भी आयद किए गए। पुलिस तर्जुमान ने शहरियों से अपील की है कि वो गैर ज़रूरी इज्तिमा से गुरेज करें या फिर सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से ज़रूरी कारोबारों जिन्हें वबाई सूरत हाल के दौरान काम करने की इजाज़त है, उनके कारकुनों और सार्फीन को मज़ीद तहफ़ फराहम करने के लिए काम की जगह की मुआयना की मुहिम में तौसी कर रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऑन्टेरियो हुकूमत की जानिब से ज़रूरी कारोबारों जिन्हें वबाई सूरत हाल के दौरान काम करने की इजाज़त है, उनके कारकुनों और सार्फीन को मज़ीद तहफ़ फराहम करने के लिए काम की जगह की मुआयने की मुहिम में तौसी कर रही है। गुज़िश्ता हफ्ते सूबे के बड़े स्टोर्स में बड़े पैमाने पर कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी के केसेस सामने आने के बाद सूबाई इंतजामिया की जानिब से अफसरान मज़ीद कारोबारों के दौरे करेंगे, जहाँ लोगों को एहतियाती तदाबीर से मुतालिक आगाही दी जाएगी, जबकि खिलाफ वर्जी के मर्तकब होने वाले कारोबारों पर जुर्माने किए जाएंगे। इस मुहिम में 300 के करीब अफसरान शरीक हो रहे हैं, जबकि हुकूमती हिदायत पर अमल न करने वाले कारोबारों को 1,000 से $1 करोड़ तक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, जबकि मुलाजमीन को $750 जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता वीकेंड पर मुहिम के दौरान हुकाम की जानिब से 240 स्टोर्स के दौरे किए गए थे, जिनमें से 76 कारोबार हुकूमती हिदायत की खिलाफ वर्जी करते पाए गए थे। नौ मुंतखब सदर की तकरीब हल्फ बरदारी के मौके पर दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हाई अलर्ट रहा, जहां 25,000 फौजियों को तैनात किया गया है, जबकि इस बार तकरीब में शिरकत के लिए सिर्फ 1,000 अफराद को मदऊ किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की तरफ से मुजाहरों के बाद सख्त सिक्योरिटी हिसार में जोसेफ बाइडन ने अमरीका के 46वें सदर का हलफ उठाने के बाद कहा है कि सबका सदर हूँ, कोई तफरीक नहीं करूँगा, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी और वबा का मुकाबला कर सकते हैं, इख्तलाफात को जंग में नहीं बदलना चाहिए। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक नौ मुंतखब सदर की तकरीब हलफ बरदारी के मौके पर दारुल हुकूमत वाशिंगटन में हाई अलर्ट है, जहाँ 25,000 फौजियों को तैनात किया गया है, जबकि इस बार तकरीब में शिरकत के लिए सिर्फ 1,000 अफराद को मदु किया गया। तकरीब में शिरकत करने वालों में ज्यादातर कांग्रेस अरकान और दीगर नुमाया शख्सियात शामिल हैं। जो बाइडन की अहलिया जल बाइडन, नायब सदर कमला हैरिस के शोहर डेगलस एम हॉफ, साबिक सदर बराक ओबामा उनकी अहलिया, साबिक सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश और उनकी अहलिया, साबिक सदर बिल क्लिंटन और उनकी अहलिया ने भी शिरकत की। तकरीब के आगाज से कबल गुलुकारा लेडी गागा ने कौमी तराना पढ़ा, जिसके बाद जो बाइडन से चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट ने हलफ लिया और सदारती दस्तावेजात पर दस्तखत के बाद खिताब किया। नायब सदर कैमला हैरिस भी सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएट जस्टिस सोनिया सोटोमायर से हलफ लिया। बाइडन के हलफ लेने से कबल गुलुकारा जेनिफर लोपीज और गुलुकार
गार्थ ब्रॉक्स म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश की, जबकि तकरीब के इख्तिताम पर एपिस्कोपल चर्च के पादरी सिल्वेस्टर बेमन ने दुआ करवाई। हलफ उठाने के बाद पहले खिताब में नौ मुंतखब अमरीकी सदर का कहना था कि चीफ जस्टिस रॉबर्ट्स और नायब सदर कैमला हैरिस, स्पीकर नैन्सी पेलोसी, माइक पेंस समेत दीगर का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि आज का दिन जमहूरियत की कामयाबी का दिन है। कुछ रोज कैपिटल हिल पर हमले ने जमहूरी बुनियादें हिला दी थी। आज अशखास की नहीं जमहूरी अमल की फतह हुई। नैदरलैंड में कोरोना वायरस की वबा की बिगड़ती हुई सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए 9 फरवरी तक रात भर का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खिता कोरोना वायरस की मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 9,73,25,443 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 20,83,754 हो गई, जबकि 6,98,82,077 कोरोना मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेज और इससे अमवात के एतबार से 10 सरफहरिस्त ममालिक में 33 करोड़ से जायद आबादी का हामिल अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 4,15,894 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमुई तादाद 2,49,98,975 हो चुकी है। 1 अरब से जायद आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां इससे 1,52,906 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इस मूजी वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1,06,11,719 हो गई। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की इस फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर है, जहाँ ये जानलेवा वायरस 2,12,893 जिंदगियां निकल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 86,39,868 तक जा पहुंची है। बरतानिया में कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात दोबारा तेजी से बढ़ने लगी हैं। यहां इससे अमवात की तादाद 93,290 हो गई, जबकि कोरोना के केसेस की तादाद 35,05,754 हो चुकी है। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 24,487 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 24,06,216 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 37वें नंबर पर है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,338 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,65,563 तक जा पहुंची है। टिकटॉकर हरीम शाह ने मुफ्ती कवि के हवाले से हैरान कुन इंकशाफ ये भी किया है कि एक टीवी शो से कबल अपनी टीम के हमरा मुफ्ती कवि को एक रेस्टोरेंट लेकर गई, जहां उन्होंने मेरे साथ नामुनासिब हरकत भी की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने कहा है कि मैंने मुफ्ती कवि को सिर्फ थप्पड़ ही नहीं जूते भी मारे हैं। मुकामी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में हरीम शाह ने कहा कि मैं निजी चैनल पर एक शो कर रही हूं, जिसके लिए मैंने सोचा हुआ था कि शो के मेहमानों में सबसे पहले उन लोगों को बुलाऊंगी जिनकी वजह से मेरी किरदार कशी हुई। इसी वजह से दुनिया के सामने हकीकत लाने के लिए मुफ्ती कवि को शो में बतौर मेहमान मदऊ किया और लाहौर से कराची आने के लिए तमाम अखराजात खुद उठाए। उन्होंने बताया कि मुफ्ती कवि के साथ एक लड़की की सेल्फी वायरल थी। उस दौरान मैं बैरून मुल्क थी। ये बात पता होने के बावजूद मुफ्ती कवि ने जानते बूझते हुए झूठ बोला कि सेल्फी में हरीम शाह साथ हैं, जिसकी वजह से मुझ पर बहुत लानोतन की गई, लेकिन मैंने ये सोचकर खामोशी इख्तियार की रखी कि एक दिन मैं बदला जरूर लूंगी और उन्हें दुनिया के सामने जलील और रुस्वा करके रहूंगी। हरीम शाह ने यह भी कहा कि मैंने कुछ अरसे टिकटॉक वीडियोस बनाना बंद कर दी थी और बाकू चली गई थी। ताहम इस दौरान मुफ्ती कवि ने मुबशर लुकमान के शो में शिरकत की और मेरी नई वीडियो ना आने की वजह ये बताई कि उन्होंने मुझसे निकाह कर रखा है। और जब मेजबान ने मजीद कुछ पूछा तो उस पर मुफ्ती साहब हंसते रहे। टिकटॉकर ने मुफ्ती कवि के हवाले से हैरान कुन इंकशाफ ये भी किया कि शो से कबल अपनी टीम के हमरा मुफ्ती कवि को एक रेस्टोरेंट भी लेकर गई, जहां उन्होंने मेरे साथ नामुनासिब हरकत भी की, लेकिन उस वक्त भी मैंने खुद पर काबू रखा और सोचा कि अगर अभी मैंने अपना रद्द अमल दिया तो तमाम मामला बिगड़ जाएंगे। और जहां तक थप्पड़ मारने वाली वीडियो की बात है तो मैंने अब तक मुफ्ती कवि को सिर्फ थप्पड़ ही नहीं बल्कि जूते भी मारे हैं। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह खुदकुशी केस में अदाकारा कंगना रनावत को अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड अदाकार सुशांत सिंह खुदकुशी केस में अदाकारा कंगना रनावत को अपनी जिंदगी खतरे में नजर आने लगी। सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के बाद बहुत सी अदाकाराओं के गिर्द घेरा तंग किया गया, यहां तक कि उनकी गर्लफ्रेंड रीहा चक्रवर्ती को भी पुलिस ने हिरासत में लिया, जिसकी वजह न सिर्फ अदाकार की खुदकुशी थी बल्कि उन्हें मुंशियात की आदत में मुब्तिला करने का मामला भी था। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड के किसी भी अदाकार ने खुलकर बात करना मुनासिब नहीं समझा, सभी ने इस संगीन मामले पर खामोशी अख्तियार किए
रखी, लेकिन कंगना रनावत ने लब कुशाई करते हुए अदाकार की मौत को सोची समझी साजिश करार दिया था और कहा था कि दरअसल ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है। इस हवाले से उन्होंने ट्विटर पर एक खातून की जानिब से पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि सुशांत की मौत के हवाले से बहुत से राज अफशा करने पर मेरी जान को खतरा लाहक है, क्योंकि उनकी मौत के ताने बाने माफिया और मंशियात फरोशों से मिलते हैं। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कैनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।